आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं Vivo T2 Pro और Vivo V29e का, क्योंकि काफी भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई T2 Pro और Vivo V29e का कंपैरिजन करके बताओ, क्योंकि काफी लोगों का प्लान होता है कि हमें Vivo के अंदर ही एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए। तो यार अगर आपको Vivo का एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए और इन दोनों में से आपका कोई खरीदने का प्लान है तो आपको कौन सा लेना चाहिए, इस वीडियो के अंदर आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम अच्छे से कैमरा टेस्ट करने वाले हैं दोनों स्मार्टफोन का और प्रोसेसर वगैरह के बारे में, डिजाइनिंग किसकी ज्यादा अच्छी है और भी यहाँ पे क्या क्या स्पेसिफिकेशंस अलग है, क्या क्या सेम है और प्राइस में कितना ज्यादा डिफरेंस है, सब कुछ बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ध्यान से देखते रहना ताकि आपको कोई दूसरी वीडियो ना देखनी पड़े कंपेरिजन की। तो सबसे पहले बात यही करने वाले हैं कि इन दोनों में से डिजाइनिंग किसकी ज्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे T2 Pro मेरे पास जो कलर है ड्यून, यहाँ पे गोल्ड कलर है, ठीक है, और V29e आर्टिस्टिक ब्लू कलर के अंदर है। अगर इन दोनों कलर्स को हम देखें तो काफी प्यारे से कलर है। Vivo पता होगा आपको डिजाइनिंग के अंदर ना बहुत ही कमाल के स्मार्टफोन्स बनाती है और यहाँ पे T2 Pro देखोगे ऐसे मार्बल की फिनिशिंग आती है और पीछे आपके बैक ग्लास देखने को मिल जाते हैं, दोनों के अंदर ही एचडी ग्लास मिलता है। और अगर Vivo V29e की डिजाइनिंग देखोगे यहाँ पे थोड़ी सी अलग डिजाइनिंग दी गई है और दोनों के पीछे दो कैमराज मिलते हैं, बस कैमरा का मॉड्यूल थोड़ा अलग है। और यहाँ पे T2 Pro की जो ये ओरा लाइट है ना, ये बहुत ही कमाल की है, ये आपके मोबाइल को ना यहाँ पे काफी अच्छा बना देती है। तो ओवरऑल अगर डिजाइनिंग देखोगे ना तो भाई साहब दोनों की डिजाइनिंग बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। मुझे थोड़ी सी यहाँ पे Vivo T2 Pro की डिजाइनिंग थोड़ी सी अच्छी लग रही, क्योंकि जब हम हाथ वगैरह के अंदर लेके रखते हैं ना तो काफी अच्छा फील होता है और काफी हल्का भी है। जी हाँ दोस्तों, Vivo V29e से भी हल्का है। और अगर पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करूं तो दोनों के राइट साइड के अंदर आपको पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन्स मिल जाते हैं, नीचे की साइड में आपको यहाँ पे स्पीकर मिल जाते हैं, दोनों के अंदर ही आपको सिंगल स्पीकर मिलते हैं। यार स्पीकर यहाँ पे डबल होता तो मजा आता यार, ड्यूल स्पीकर दोनों के अंदर ही नहीं है। नीचे की साइड में आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, नीचे माइक एंड नीचे आपको सिम स्लॉट मिल जाता है जिसके अंदर आप दो सिम कार्ड डाल सकते हो, मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकते। और लेफ्ट साइड के अंदर कुछ भी नहीं मिलता है और ऊपर की साइड में देखोगे यहाँ पे वॉइस कैंसिलेशन का माइक मिलता है। और यहाँ पे T2 Pro के लिखा गया है प्रोफेशनल पोर्ट्रेट। तो पोर्ट्स एंड बटन्स देखोगे ना तो भाई साहब बिल्कुल सेम है, ऐसा लगता है कि यार Vivo V29e की कॉपी बनाया गया है, क्योंकि एकदम सेम सा मिलता है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है पोर्ट्स एंड बटन्स में। पर चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे बाहर से तो यहाँ पे सेम सेम है पर अंदर से कितना ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि प्राइस के अंदर सबसे पहले डिफरेंस मिल जाता है। T2 Pro की जो प्राइस मिलती है वो है यहाँ पे 23,999 रुपए और डिस्काउंट वगैरह लगा के यहाँ पे 22,000 रुपए तक आपको मिल जाता है, 128 की बात कर रहा हूँ, और जो 256 है वो भी 25,000 के अंदर आपको मिल जाता है। Vivo V29e की जो प्राइस मिलती है 27,000 रुपए 128 के अंदर, पर इसके अंदर भी काफी सारे ऑफर्स वगैरह मिल जाते हैं, तो ये भी आपको 24,000 से 25,000 रुपए तक देखने को मिल जाता है। अगर हम मतलब डिफरेंस देखें दोनों की प्राइस का तो कम से कम यहाँ पे 3,000 या 4,000 रुपए का डिफरेंस है। अगर ऑफर्स वगैरह को देखें तो यहाँ पे 2,000-3,000 रुपए का तो डिफरेंस देखने को मिल ही जाता है, यानी कि V29e की प्राइस थोड़ी ज्यादा है। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि ये जो 3,000-4,000 रुपए ज्यादा लग रहे हैं क्या उनका यहाँ पे कुछ अच्छा मिलता है या फिर यहाँ पे T2 Pro बेस्ट है आपके लिए, वो इस वीडियो के अंदर सब कुछ आपको पता चल जाएगा। डिजाइनिंग के अंदर तो अपनी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में कि डिस्प्ले किसकी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि दोनों के ही यहाँ पे 3D कर्व्ड डिस्प्ले मिलती है। और सच कहूं तो यार डिस्प्ले ना दोनों की बिल्कुल सेम है, बिल्कुल भी फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों के अंदर 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलती है। और दोस्तों यहाँ पे 3D कर्व्ड डिस्प्ले है जो कि इन दोनों मोबाइल्स के अंदर जो हाईलाइट है वो इन दोनों की डिस्प्ले सबसे ज्यादा हाईलाइट है। दोनों के अंदर ही HDR10 का सपोर्ट मिलता है और दोनों के अंदर ही 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है और दोनों के अंदर ही आपको 120Hz की रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाती है। अगर आप YouTube वगैरह पे वीडियोस वगैरह देखोगे तो 4K के अंदर दोनों के अंदर ही आप अच्छी खासी वीडियोस वगैरह देख पाओगे। डिस्प्ले की बात करूं तो डिस्प्ले के अंदर ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की साइज भी सेम है, दोनों की मतलब अगर वीडियोस वगैरह देखते हैं तो दोनों के अंदर ही बिल्कुल सेम डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो देखो भाई डिजाइनिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे डिस्प्ले में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब डिफरेंस कहाँ है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोनों के अंदर जो बैटरी है ना उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस मिल जाता है, क्योंकि T2 Pro के अंदर आपको 4600mAh की बैटरी मिलती है, V29e के अंदर आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है। और दोनों को हमने चलाकर भी देखा जब हम कैमरा टेस्ट वगैरह कर रहे थे दोनों का, तो यहाँ पे T2 Pro की बैटरी थोड़ी सी ड्रेन ज्यादा होती है क्योंकि बैटरी थोड़ी कम है। और यहाँ पे इसकी बैटरी कम इसलिए है क्योंकि इसको बहुत ही ज्यादा हल्का बनाया गया है, इसलिए बैटरी को थोड़ा कम कर दिया। पर यहाँ पे बैटरी V29e की ज्यादा है, पर चार्जर इसके अंदर कम मिलता है, 44W का मिलता है, जबकि T2 Pro के अंदर आपको 66W का चार्जर मिलता है। तो यहाँ पे बैटरी थोड़ी ड्रेन यहाँ पे जल्दी होगी,
पर चार्ज भी काफी ज्यादा जल्दी होता है Vivo V29e से, तो यहाँ पे भी बराबर बराबर सा हो गया क्योंकि इसके अंदर चार्जर ज्यादा है और इसके अंदर बैटरी ज्यादा है। तो अब बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में, क्योंकि सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो प्रोसेसर के अंदर ही है, क्योंकि यहाँ पे T2 Pro के अंदर आपको जो प्रोसेसर मिलता है MediaTek Dimensity 7200, और ये प्रोसेसर ना इस प्राइस के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो ना, काफी आप हाई लेवल की गेमिंग कर सकते हो, 7 लाख से भी ज्यादा स्कोर इसका देखने को मिल जाता है। और यहीं पर अगर बात करें ना V29e की, तो इसके अंदर यार प्रोसेसर थोड़ा हल्का है, और जब हमने इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह की थी तब भी हमने कहा था कि यार इस प्राइस के हिसाब से इसका प्रोसेसर बहुत ही कम है, क्योंकि इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 695 मिलता है, जो कि यहाँ पे 18 से 20 हजार रुपए के मोबाइल आते हैं उनके अंदर भी सेम यही प्रोसेसर मिलता है, पर इसके अंदर 27,000 रुपए के अंदर आपको सिर्फ इतना सा प्रोसेसर मिलता है। तो अगर देखिए आपको अगर स्मार्टफोन चाहिए कि प्रोसेसर थोड़ा भारी हो, आप अच्छी खासी गेमिंग कर सको, आपको मोबाइल को हेवी यूज में लेना है, तो मैं आपके लिए Vivo T2 Pro सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इसका प्रोसेसर काफी ज्यादा भारी है। तो दोस्तों प्रोसेसर भारी होने के कारण अगर हम फोटोज वगैरह भी क्लिक करते हैं ना, तो वो भी डिटेल्स वगैरह काफी अच्छी देखने को मिलती है जब हमारा प्रोसेसर थोड़ा भारी होता है। तो प्रोसेसर मैं कहूंगा कि Vivo T2 Pro का काफी ज्यादा भारी है। चलिए बात करते हैं इन दोनों के कैमराज के बारे में, क्योंकि पीछे दोनों के दो कैमराज मिलते हैं, पर जो यहाँ पे कैमरा है पीछे का मेन कैमरा, वो दोनों का सेम है, 64 मेगापिक्सल का दोनों के अंदर ही OIS कैमरा मिलता है। पर V29e के अंदर एक प्लस पॉइंट है, इसके अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि Vivo T2 Pro के अंदर नहीं मिलता है। और जो फ्रंट कैमरा है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, T2 Pro के अंदर 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, जबकि V29e के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। पर दोस्तों आपको पता होगा मेगापिक्सल पर बिलीव नहीं रखते काफी लोग होते हैं, वो मेगापिक्सल को देख के फोन खरीद लेते हैं। तो मैंने काफी सारी फोटोज वगैरह क्लिक की है, वीडियोस वगैरह भी बनाई है आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि ये जो मेगापिक्सल है ये नाम के हैं या फिर कुछ काम भी करके दिखाते हैं। तो दोस्तों अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हो ना, तो मैं आपको एक बात पहले ही बता देता हूँ कि T2 Pro के अंदर आप बे कैमरा से 4K के अंदर 30fps पर वीडियो बना पाओगे, जबकि V29e के अंदर आप नहीं बना सकते। इसके अंदर आप 1080 60fps पर ही बे कैमरा से बना सकते हो, जबकि मेरे हिसाब से यार इस प्राइस के अंदर तो आपको मिलना ही चाहिए था। और अगर फ्रंट कैमरा देखोगे तो फ्रंट कैमरा के अंदर आप 1080 30fps के अंदर दोनों के अंदर ही बना पाओगे। तो यार आपको वीडियोस के लिए मोबाइल फोन चाहिए ना, कि आपको यहाँ पे व्लॉगिंग वगैरह करनी है, अच्छी खासी वीडियोस बनानी है, तो मैं आपके लिए T2 Pro ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि प्राइस भी कम है और इसके अंदर आपको 4K का ऑप्शन मिल जाएगा। मैंने काफी सारी फोटोज वीडियोस वगैरह बनाई है आपके लिए, चलिए देखते हैं इनमें से ज्यादा किसकी अच्छी है। अगर आप ये फोटोज देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे देखोगे V29e के अंदर थोड़ा थोड़ा व्हाइट हो जाता है, जब यहाँ पे T2 Pro के अंदर अच्छी खासी डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाती है, अच्छे कलर्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे V29e के अंदर प्लस पॉइंट है कि इसके अंदर आपको अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिलता है, जो कि T2 Pro के अंदर नहीं मिलता है, मेरे हिसाब से मिलना चाहिए था। साइड बाय साइड आप फोटो देखोगे तो मुझे यहाँ पे T2 Pro के अंदर थोड़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिली, अच्छी डिटेल्स देखने को मिली। आप स्किन टोन वगैरह देखोगे T2 Pro का थोड़ा ज्यादा अच्छा है, और ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के यहाँ पे लगभग सेम है, पर सेल्फी कैमरा के अंदर V29e की थोड़ी अच्छी निकाल के देता है फोटो, आप देख सकते हो, तो आपको पता चल चुका होगा। और ये जो आप वीडियो देख पा रहे होंगे 1080 60fps के अंदर हमने रिकॉर्ड किए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी अच्छी, क्योंकि V29e के अंदर 4K का ऑप्शन नहीं मिलता, जबकि T2 Pro के अंदर मिलता है, पर मैंने सोचा कि दोनों के अंदर 1080 fps के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करके दिखा, इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टेबलाइजेशन दिखा दे सकता हूँ, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि स्टेबलाइजेशन किसका ज्यादा अच्छा है। और ये जो वीडियो आप देख पा रहे होंगे, ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्रंट कैमरा के दोनों ही फोन से, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि फ्रंट कैमरा के अंदर 1080 30fps पर हम वीडियो कैसी बना सकते हैं, तो ये आपको अच्छे से पता चल जाएगा। यार कैमरा का तो आपको पता चल ही चुका होगा, तो यार मैं आपके लिए यही कहूंगा कि अगर आपका बजट 25,000 रुपए के नीचे है ना, तो मैं T2 Pro सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इसके अंदर आपको वीडियो के अंदर काफी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। स्टेबलाइजेशन भी हमें अच्छा मिला, जब हम स्टेबल को ऑन करते हैं वीडियो के अंदर ऑप्शन मिलता है, तब यहाँ पे T2 Pro का स्टेबलाइजेशन थोड़ा अच्छा देखने को मिलता है। अगर आपको T2 Pro का पूरा कैमरा टेस्ट देखना है, तो हमने वीडियो बना रखी है एकदम डिटेल में आपको बताया है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो ओवरऑल अगर देखें कि अगर आपको कौन सा फोन खरीदना चाहिए, तो मैं आपके लिए T2 Pro ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। सबसे पहला तो इसकी यूनिक डिजाइन भी मुझे काफी अच्छी लगी, और यहाँ पे डिस्प्ले दोनों के अंदर सेम है, पर प्रोसेसर यहाँ पे इसके अंदर भारी है, और कैमरा के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। हाँ एक कमी है, क्योंकि
कि अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन नहीं है। अगर ये अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिल जाता ना टी टू प्रो के अंदर, तो भाई साहब ये फोन ना बहुत ही ज्यादा कमाल का हो सकता था। तो यहाँ पे ये थोड़ी कमी देखने को मिलती है, और 3.5mm का जैक वगैरह तो दोनों के अंदर ही नहीं मिलता है। तो यार आपको इन दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा लगा आप कॉमेंट करके बता सकते हो। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो ना तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम ऐसे ही मजेदार वीडियो हमारे चैनल पर हर दिन लाते रहते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।